कासगंज जनपद के ढोलना क्षेत्र के गांव महावर में बच्चों में चिकन पॉक्स का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। डेढ़ दर्जन से अधिक बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया है और दो दिनों से स्वास्थ्य विभाग ने डेरा डाल लिया है, लेकिन बीमारी का प्रकोप थमने की बजाय बढ़ता जा रहा है, जिससे गांव के लोग दहशत जुदा है। दरअसल चिकन पॉक्स के प्रकोप की घटना कासगंज जनपद के ढोलना थाना क्षेत्र के महावीर गाँव की है। गाँव की छोटी बच्ची प्रियंका के चेहरे पर दाने निकलने लगे, इसी तरह से बालक भूपेंद्र के चेहरे और शरीर के अन्य कई हिस्सों पर दाने निकलने लगे। इन्हीं तरह से ही गांव के अन्य बच्चों में शरीर पर दाने दिखाई देने लगे हैं और इस पर बच्चों के परिजन परेशान हो उठे। इसकी जानकारी गांव के प्रधान मनोज कुमार ने स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचाई, जिस पर सीएमओ अवध प्रसाद किशोर ने संज्ञान लिया। देर शाम को अशोकनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व ढोलना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से चिकित्सकों की टीम गाँव महावर में पहुंच गई। इस दौरान चिकित्सीय टीम ने गाँव में 17 बच्चों में चिकन पॉक्स बीमारी और उसके लक्षण देखकर बच्चों को दवाइयां देकर उनका इलाज शुरू कर दिया। यह टीम गांव में जाकर घर घर बच्चों के बारे में जानकारी ले रही है। बीमार बच्चों बुजुर्गों को स्वास्थ्य परीक्षण कर दवा वितरण कर रही है। प्रधान जी, आपके गांव में चिकन पॉक्स की बीमारी फैली हुई है, कब से फैली हुई है? ये करीब 5-6 दिन से फैली हुई है और इसमें लोगों ने अपना प्राइवेट इलाज भी कराया था, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। फिर हमने स्वास्थ्य विभाग की टीम को हमने सूचित किया है 16 तारीख को। उसके अलावा फिर टीम यहाँ पर आई हुई थी, कल भी चेक हुआ था और आज यहाँ पर टीम में कैंप भी लगा हुआ है और कैंप लगने के उपरांत वहाँ जांच भी चल रही है। करीब 20-25 बच्चों का वहाँ पर उपचार भी हुआ है और इसी तरह साफ सफाई का भी अभियान चल रहा है। जी हाँ, सोमवार को फिर यहाँ टीम आई हुई है, 16 तारीख को हमने लेटर जारी किया है और उसके बाद सोमवार को यहाँ पर टीम आई है। अभी तक कितने बच्चों को चिकन पॉक्स हो चुका है? करीब 17 बच्चों को। सर, महावर गांव में चिकन पॉक्स का प्रकोप फैल रहा है, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या तैयारी की गई है? 19 सितंबर को शाम 7 बजे हमको सूचना मिली कि महावर गांव में चिकन पॉक्स के लक्षण वाले कुछ बच्चों को जो है इस तरह की बीमारियां हैं। तो मैंने टीम भेजा, CSC कासगंज की टीम गई वहाँ और उन लोगों ने 17 बच्चों को चिन्हित किया, बताया कि जो है उनको चिकन पॉक्स है और उनका जो है जो भी दवा दे सकते थे सब दवा दिए और कोई भी बच्चा को कोई गंभीर स्थिति नहीं थी, हॉस्पिटलाइजेशन की कोई स्थिति नहीं थी। अगले दिन 20 को सुबह में फिर टीम गई, डॉक्टर की टीम गई वहाँ पर, पैरामेडिकल स्टाफ भी थे। उन 17 बच्चों को इलाज करने के अलावा, दवा देने के अलावा जो है बाकी लोगों का भी 73 घरों का जो है सर्वे किया गया और उसमें से जो है खांसी बुखार सर्दी शरीर में दर्द के जो है 76 मरीज मिले, जिनमें से 7 का जो है स्लाइड बनाया गया, मलेरिया का स्लाइड, और बाद में जांच में सभी निगेटिव पाए गए हैं। उन 76 लोगों को भी दवाइयां दी गई हैं।